फतेहाबाद में जनस्वास्थ्य विभाग की ओर से 18 ग्राम पंचायत और गौशालाओं के लिए नए टैंकर बांटने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सिरसा लोकसभा की सांसद सुनीता दुग्गल पहुंची। फतेहाबाद में जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से 18 ग्राम पंचायत और गौशालाओं के लिए नए टैंकर बांटने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सिरसा लोकसभा की सांसद सुनीता दुग्गल पहुंची। ये टैंकर सांसद निधि की राशि से खरीदे गए हैं, ग्राम पंचायत और गौशालाओं को बांटे गए। सांसद सुनीता दुग्गल ने हरी झंडी दिखाकर इन टैंकरों को रवाना किया। हालांकि इन टैंकरों को लेकर जन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी सामने आई। नए टैंकरों में जले हुए टायर लगाए गए थे। टैंकर लेने आए कई ग्रामीणों ने कहा कि टैंकरों में जले हुए टायर लगाए गए हैं, ऐसे में वो टैंकर नहीं ले जाएंगे क्योंकि ये टायर 2 या 3 महीने में ही खराब हो जाएंगे। इसको लेकर सांसद सुनीता दुग्गल से भी सवाल पूछा गया तो वो अधिकारियों को बचाते हुए नजर आईं और कहा कि कंपनी के द्वारा 6 महीने की वारंटी दी गई है, इन टायरों को बदला जाएगा। देखिए, आज जो है 18 गाँव जो है उसमें या तो गौशालाओं को या गाँव को जहाँ पर जो है पानी के टैंकर की आवश्यकता थी, हमने पानी के टैंकर जो है वितरित किए हैं। एक पानी के टैंकर की कीमत जो है वो 1,40,000 रुपए के करीब है और आज हमने उसी तरह से 25 जो है लाख की लागत से जो है 18 टैंकर अलग अलग गांव के सरपंच साहब और गांव की जो पंचायत है उनको सुपुर्द किए हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो है एक और मैं बात कहना चाहूंगी कि उन्होंने हमें जो है इस बात के लिए ताकीद किया है कि आने वाले समय में सभी जितने भी हमारे सरपंच साहब हैं उनको उनके गांव में अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है विकास के कार्यों के लिए, क्योंकि देखिए हमारी सरकार जो भी काम करती है वो विकास के लिए करती है। 5 राज्यों में हो रहे चुनावों को लेकर भी सांसद ने कहा कि उन्हें राजस्थान के अलवर के इलाके का पदभार सौंपा गया है और वहां पर वो पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है। कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने कटाक्ष किया कि इस पार्टी में लगातार मतभेद और मनभेद सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर ही छींटाकशी करने में जुटे हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो है, जैसे जो अगर सपोज जो टायर है, जो टायर जो कंपनी बनाती है, ये अधिकारी तो बनाते नहीं, ना इन्होंने बनाया, ना इन्होंने बनाया, ना मैंने बनाया। हमने पैसा दिया, पैसा देने के बाद जिस कंपनी से ये बन के आया उस कंपनी को जो है वो हमारे दोनों अधिकारी हैं वो जांच करेंगे, देखेंगे कि भी कंपनी ने गलत माल क्यों लगाया और कहीं भी कोई इस तरह की कोई दिक्कत पाई गई तो आगे से उस कंपनी से आप लोग जो है उसको रिप्लेस करो। उसकी जगह पहले तो ये जो टायर जो है जो एक दो जो बता रहे हैं उनको वारंटी में है तो वो चेंज हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। देखिए, बहुत अच्छे नतीजे रहने वाले हैं क्योंकि मेरी खुद की ड्यूटी जो है वो राजस्थान में अलवर जिले में लगी है। अलवर उत्तर जो जिला है उसकी 5 विधानसभाओं का प्रभारी मुझे नियुक्त किया गया है कि राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, तेलंगाना में भी, मिजोरम में भी, पांचों राज्यों के अंदर जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। फिलहाल टैंकरों में जले हुए टायरों को लगाने की शिकायत पर सुनीता दुग्गल ने आश्वासन दिया है कि कंपनी की ओर से 6 महीने की वारंटी दी गई है, खराब होने पर इन टायरों को बदला जाएगा। फतेहाबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।